सरकार के खनन मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने भगवान शिव यानी भोलेनाथ को बिंद जाति का बताया है। मंत्री जी इतने पर ही नहीं रुके हैं, उन्होंने हनुमान जी को शिव का अंश बताते हुए बिंद जाति का ही बताया है। बता दें कि बिहार में बिंद जाति अति पिछड़ी श्रेणी में आती है। कैमूर पहुंचे मंत्री ने इसके पीछे कई तर्क भी दिए हैं। उन्होंने प्रमाण के लिए शिव पुराण और प्राचीन भारत के हिस्ट्री से जुड़ी एक किताब का हवाला दिया है और साथ ही कहा है कि ये बातें आज एमए में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई जाती हैं। पटना में राज्यपाल फग्गू चौहान का अभिनंदन और स्वागत समारोह रखा गया था, जहां बीजेपी और जेडीयू के कई नेता मौजूद थे। इसी दौरान ब्रजकिशोर बिंद ने कहा कि शंकर भगवान बिंद जाति के थे। उन्होंने कहा है कि इसकी पुष्टि के लिए मैंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि शिव पुराण भाग 2 अध्याय 36 पारा 4 में लिखा हुआ है कि शंकर भगवान जाति के बिंद थे। उन्होंने कहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास को एंशियंट हिस्ट्री में कहते हैं, जिसके लेखक विद्याधर महाजन हैं। उन्होंने पारा 4 में लिखा है कि भगवान शंकर जाति के बिंद थे। एमए की क्लास में भी पढ़ाया जाता है। जो जानकारी मुझे पुस्तकों से मिली है, उसके आधार पर मैंने सोचा कि समाज के सभी लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। साथ ही ब्रजकिशोर बिंद ने कहा है कि जब कृष्ण भगवान ग्वाला हो सकते हैं तो श्री राम भगवान क्षत्रिय हो सकते हैं, तो फिर शंकर जी बिंद जाति के क्यों नहीं हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भगवान हनुमान जी की जाति बताई थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बजरंगबली एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, निर्वासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सबको जोड़ने का काम बजरंगबली करते हैं। सीएम योगी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचनाएं हुई थी। दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़ से। हर्ष की रिपोर्ट।